बेगूसराय में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। घटना नगर थाना क्षेत्र के हर हर महादेव चौक की है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि मोहल्ले के कुछ लड़के मोहल्ले में दबदबा कायम करने के लिए लगातार हो हंगामा करते रहते हैं। बीते शाम भी बाइक पर इन सभी उचकों ने मोहल्ले में खूब हंगामा किया था और आज सवेरे एक स्थानीय पानी प्लांट दुकानदार बबलू से 50 लाख की रंगदारी मांगी और इसी क्रम में बाइक सवार तीन अपराधियों ने गोलीबारी की। मौके से स्थानीय लोगों ने दो खोखा भी बरामद कर पुलिस के हवाले किया है। बाद में आक्रोशित लोगों ने पहुंच पथ को जाम कर प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। हालांकि नगर थाने की पुलिस ने समझा बुझा कर किसी तरह लोगों को शांत कराया। फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट बीटी न्यूज़ बिहार की है। कल वो लड़का इतना स्पीड में इस ग्रामीण रोड पर गाड़ी चलाता है, हमारे दुकान में एक तगादा वाला गाड़ी को धक्का मार दिया। उधर से रिटर्न होने में एक बगल के दुकानदार से एक ग्राहक सामान ले रहा था, अगर वो थोड़ा सा नहीं चढ़ता तो उसके ऊपर गाड़ी चला देता। वो अपनी वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किसी हद तक जा सकता है, इसलिए प्रशासन से मांग है इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इतना ही निवेदन है। आज क्या घटना हुई? आज जो है अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक सारा गामा पा के मालिक है बबलू जी, उनसे 50 लाख की रंगदारी और नहीं देने पर कहा गोली से मार देंगे और गोली चला भी दिया। संजोग हुआ गोली लगा नहीं, अगर लग जाता पूरा पब्लिक के सामने रंगदारी का है मनभरू अपना वर्चस्व बनाने के लिए मोहल्ला में किसी को कुछ करने नहीं देता है, कोई करता है उसको मारपीट करता है, उसके साथ दारू बेचता है, दारू भी माफिया है, दारू भी माफिया है। अगर हम लोग सतर्क अभी नहीं रहेंगे, अभी प्रशासन पुलिस छोड़ देगा तो कल के डेट में हम लोग के घर में घुस घुस कर सबको गोली मार देगा। प्रशासन कितना गोली चल रहा है? तीन गोली।